सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई खोई सी बातें हैं। ओ जश्न बहारा। तो क्या कभी मन में आया किसी रैंडम प्लान को एग्जीक्यूट किया? ये उसी रैंडम प्लान की कहानी है। तो दिन था संडे का और हम लोगों को घूमने का मन कर रहा था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी डिसाइड किया कि कहाँ जाए घूमने। तो हम लोगों ने सोचा कि कुतुब मीनार चलते हैं, ठीक है कूल। और फिर यहाँ आने के बाद हम लोग टिकट काउंटर वाली लाइन को देखकर शांत हो गए थे, क्योंकि लाइन ही कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ की QR से यहाँ की टिकट को डाउनलोड कर लिया जाए। और फिर यहाँ के कुछ लोगों से हमें पता चलता है कि QR सिर्फ पेटीएम पे काम करेगा, और हम में से कोई भी पेटीएम यूज़ नहीं करता था। और हम जब पहले से बहुत थके हुए थे, इसलिए लाइन में लगने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और फिर हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर यहाँ की टिकट हमने यहाँ के वेबसाइट से बुक की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप भी वहाँ से अपनी टिकट को बुक कर सकते हो। आगे की कहानी अब हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते। और इसके मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि रोड के इस साइड आपको टिकट काउंटर दिखेगा और रोड के अपोजिट साइड गेट। बहुत भीड़ है। और अगर आप लोगों की टोकन वाली टिकट गुम हो जाती है, तो आप लोगों को 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसलिए अपने टोकन वाले टिकट को अच्छे से रखना। और संडे को अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप लोगों को लंबी लंबी लाइन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इतनी देर लाइन में लगने के बाद हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। और काम की बात करें तो यहाँ बैग लगना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप यहाँ कैमरा ला सकते हो, यहाँ कैमरा अलाउड है। जब आप कुतुब मीनार के पास आ जाओगे, तो आपको हर 5 मिनट पे इसके ऊपर से एक प्लेन जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हो। और आपको जो सामने मकबरा दिख रहा है, वो तुर्किस्तान के एक इमाम जामीन का मकबरा है, जिसे सन 1500 के आसपास बनाया गया था। और वो जो सामने आपको छोटा सा ब्रिज नज़र आ रहा है, उस पर अभी लोग खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और फ़ोटो कुछ ऐसा निकल के आया। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग एक एक करके एक दूसरे का फ़ोटो निकालेंगे। वैसे तो हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा फ़ोटो आता है। और अभी यहाँ पे मेरा काम है सबको पोज बताना कि कौन सा पोज ज़्यादा अच्छा रहेगा फ़ोटो के लिए। और सामने जो आपको मकबरा दिख रहा है, वो इल्तुतमिश का मकबरा है, जिन्होंने कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया था। वैसे तो ये मकबरा ऐसे ही बना हुआ है, इसका असली वाला मकबरा इसके ठीक नीचे बना हुआ है, जिसके अंदर जाने का रास्ता बंद हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रास्ता कहाँ पर से। ये जो आप जाल देख रहे हो, इसके नीचे से सीढ़ी जाती है, लेकिन इसे अभी बंद कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का सीढ़ी नज़र आ रहा होगा, इसी के नीचे इल्तुतमिश का असली मकबरा है। और आप लोगों की जब इन चीज़ों पे नज़र जाती होगी, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाता होगा कि पहले के लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते होंगे, जो कि पत्थरों को काट काट के इतने अच्छे से लिख लेते थे, इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट बना लेते थे, वो भी उस टाइम में जिस टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि उस टाइम कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा ये सब बनने में। और शायद कभी आपके दिमाग में ये बात तो आया ही होगा कि कुतुब मीनार का गेट हमेशा बंद क्यों रहता है, इसके अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता है। तो 4 दिसंबर 1984 से पहले इसके अंदर जाना अलाउड था, पर 4 दिसंबर 1984 के दिन यहाँ एक भगदड़ मच गई थी कुतुब मीनार के अंदर, और उस भगदड़ के कारण लगभग 45 लोग चल बसे थे, इसलिए कुतुब मीनार के अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक नए व्लॉग में, किसी और एक नई कहानी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।